हेलो माय लवली बेकर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ और एक नए केक डिज़ाइन शेयर करने के लिए आई हूँ। तो आई होप आज का वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहे और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए आप लोगों के पास। तो आज भी मैं इधर पाइनएप्पल केक बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने बस वैनिला स्पॉन्ज को 3 लेयर में कट कर लिया और बहुत ही पतली पतली लेयर मैंने कट किया हूँ। तो उसके बाद मैंने पानी के साथ ऐड किया पाइनएप्पल क्रश और उसको मिक्स्ड कर लिया, और मिक्स करने के बाद मैं उसी से स्पॉन्ज को सोक करूँगी। तो इधर मैंने केक बोर्ड के ऊपर थोड़ा क्रीम दे के पहले एक लेयर रखा स्पॉन्ज की, फिर उसको मैंने सोक कर लूँगी, और सोक करने के बाद मैंने क्रीम दे के क्रीम को स्प्रेड कर लूँगी। तो क्रीम को मैं हमेशा पाइपिंग बैग में भर के यूज़ करती हूँ आजकल, क्योंकि इसमें जो केक काटने के बाद जो लेयरिंग दिखता है बहुत ही परफेक्ट दिखता है, और ज़्यादा क्रीम नहीं हमारा यूज़ होते हैं, बहुत ही परफेक्ट क्रीम हमारा यूज़ होता है। इसमें केक भी खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और हमारा ज़्यादा क्रीम वेस्ट भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने पाइपिंग बैग में भर के फिर मैंने क्रीम को अप्लाई करती हूँ। तो क्रीम देने के बाद मैं उसको हल्का सा स्प्रेड कर लूँगी, और स्प्रेड करने के बाद मैंने आज पाइनएप्पल वाला केक तो बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने पाइनएप्पल क्रश डालूँगी थोड़ा, और उसको भी स्प्रेड कर लूँगी। तो वो स्प्रेड करने के बाद मैंने केक के ऊपर सेकंड लेयर बिठाऊंगी, और सेकंड लेयर मैं हमेशा यही वाला लेयर बिठाती हूँ जो केक के सबसे ऊपर वाला लेयर रहता है। तो वही वाला लेयर मैंने सेकंड लेयर में डालती हूँ, और डालने के बाद उसको अच्छी तरह से सोक कर लूँगी, और सोक करने के बाद क्रीम दे के क्रीम को स्प्रेड कर लूँगी। और मैं देख ही रही हूँ आप लोग कि मैं पहले साइड को कवर कर रही हूँ, क्योंकि साइड को कवर कर लेना ज़रूरी है, नहीं तो केक हमारा जो जब आइसिंग करेंगे तब हमारा आइसिंग परफेक्ट से नहीं दिखेगा, केक ऊंचाई नीचाई हो सकता है। तो इसलिए पहले साइड को कवर कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद मिडिल में क्रीम देना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले साइड को कवर कर लिया, फिर मैंने ऊपर में क्रीम दे के क्रीम को स्प्रेड कर लिया, और स्प्रेड करने के बाद थोड़ा पाइनएप्पल क्रश डाल के उसको भी स्प्रेड कर लिया। फिर मैंने रखा हूँ थर्ड लेयर, और थर्ड लेयर मैंने वही वाला लेयर रखती हूँ हमेशा जो स्पॉन्ज बेक करने के टाइम सबसे नीचे वाला लेयर में रहता है, जिसमें बटर पेपर लगा हुआ रहता है। तो उसी वाला लेयर मैंने सबसे ऊपर में रखती हूँ, इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा क्रम्स भी नहीं रहता है, तो इसलिए आइसिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन जाता है बहुत ही कम टाइम पे। तो इधर बहुत ही कम क्रीम से मैं केक की क्रम कटिंग करने वाला हूँ, और क्रम कटिंग करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दूँगी, लगभग 10 मिनट के लिए, क्योंकि 10 मिनट तो अगर मेरे पास हाथ पे टाइम रहता है तो ज़्यादा टाइम मैं रखती हूँ, लेकिन टाइम अगर नहीं रहता है तो मिनिमम 10 मिनट तक इसको मैं फ्रीज में रख के सेट कर लेती हूँ। तो देख ही सकते हो मैं थोड़ा बहुत क्रीम दे के केक की क्रम कटिंग कर लिया, फिर इसको मैंने फ्रीज में रख के सेट कर लूँगी, फिर फ्रीज से निकाल के इसका जो आइसिंग होता है वही कर लूँगी। तो मैंने बस केक के ऊपर आइसिंग करने के लिए क्रीम में पाइपिंग बैग में व्हाइट वाला क्रीम को भर लिया, और उसको बस छोटा सा कट किया हूँ और केक के ऊपर क्रीम को अप्लाई कर दिया गया। तो मैं डायरेक्ट केक के नीचे के साइड के तरफ से ऊपर किस तरह लेके गया क्रीम को अप्लाई करने के टाइम, फिर मैंने स्प्रेड कर लूँगी, फिर मैंने साइड को स्क्रैपर से कर लूँगी स्मूथ, और ऊपर को मैंने स्पैचुला के मदद से कर लूँगी। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, तो इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, और अगर हो सके तो एक कमेंट भी कर दीजिए अगर अच्छा लगता है, और अच्छा अगर नहीं लगता तो क्यों लाइक भी करना है और कमेंट्स भी करना है। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट्स भी कर दीजिए। तो देख ही सकते हो मैं क्रीम को अप्लाई करने के बाद केक के ऊपर को बस एक बार स्पैचुला से स्प्रेड कर लिया ऊपर और साइड को दोनों साइड पर, फिर मैंने स्क्रैपर से साइड वाला पोर्शन को स्मूथनिंग कर लिया, और ऊपर को मैंने स्पैचुला के मदद से कर लिया स्मूथ। तो ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो मेरा स्पैचुला से अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाता है। तो देख ही रहे हो मेरा जो केक की आइसिंग है वो परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं थोड़ा केक बोर्ड को क्लीन कर लूँगी, और आज केक के ऊपर मैंने जेल से कवर करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इधर न्यूट्रल जेल लिया हूँ। तो मैंने लगभग 1.5 चम्मच जैसा न्यूट्रल जेल लिया हूँ, और जो न्यूट्रल जेल था मेरा तो ये मैंने ऑनलाइन से परचेस की थी, तो यह मेरा लगभग ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे और भी एक लेना है, तो वो कोई नहीं है। तो इधर मैंने न्यूट्रल जेल के साथ लगभग 1/2 चम्मच जैसा पानी ऐड किया, और बस उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और बस इधर मैंने येलो कलर 2 ड्रॉप ऐड किया हूँ उसी न्यूट्रल जेल के साथ। फिर कलर ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इसको मैंने केक के ऊपर फैला लूँगी।
तो बस मैंने डायरेक्ट केक के ऊपर इसको डाल दूंगी, और डालने के बाद मैं स्पैचुला से केक के ऊपर थोड़ा हल्के हाथों से इसको स्प्रेड कर लूँगी, क्योंकि आज का जो केक थे वो मैंने अच्छी तरह से मतलब आइसिंग करने के बाद अच्छी तरह से फ्रिज में रख के नहीं सेट किया हूँ। बस आइसिंग करने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट तक फ्रिज में रखी थी, फिर उसको बाहर निकल के मैंने डायरेक्ट केक के ऊपर जो न्यूट्रल जेल थे वो डाल दिया, फिर मैंने उसको स्प्रेड कर लिया। तो परफेक्ट तरीके से स्प्रेड हो चुके हैं। तो केक के ऊपर मुझे न्यूट्रल जेल चाहिए थे, तो इसको मैंने केक के ऊपर डाल के अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया, और थोड़ा बहुत न्यूट्रल जेल बच गई थी तो उसको मैंने साइड पे थोड़ा थोड़ा करके ड्रिपिंग दे दूँगी, तो इसमें और भी थोड़ा दिखने में अट्रैक्टिव और अच्छा दिखेगा, तो इसलिए। और अगर नहीं भी देती कुछ मतलब अगर नहीं भी देती तो फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि न्यूट्रल जेल थोड़ा बहुत बच गई थी, बहुत ही थोड़ा कम बची थी, तो उसको मैंने बस साइड पर ड्रिपिंग दे दिया। तो अब मैंने लिया हूँ दूसरे न्यूट्रल जेल, और उसी से मैंने इधर लंबाई लाइन टान लूँगी। तो इसमें मैंने कोई चॉकलेट गना से यूज़ नहीं किया हूँ, बस न्यूट्रल जेल के साथ जो चॉको कलर होता है वो इसी कलर को मैंने मिक्स किया हूँ, और बस उसको पाइपिंग बैग में भर लिया, और बस ऊपर में बस लंबा लंबा लाइन टानते जाऊँगी। फिर लाइन टानने के बाद मैंने एक नॉर्मल सा वाला टूथपिक लिया हूँ, और उसी से इधर लंबा लंबा लाइन टान लूँगी, तो एक डिज़ाइन बनते जाएगा हमारा। तो एक साइड से पहले एक बार तो लाइन टान लिया, फिर दूसरे साइड से और एक बार लंबा लंबा करके लाइन टानते जाऊंगी। तो देख सकते हो कितना अच्छी तरह से केक बनके रेडी हो गया। तो अगर चाहो तो आप लोग ऊपर में चॉकलेट की जो डेकोरेशन होता है वही वाला डेकोरेशन डाल सकते हो, लेकिन मैं बस नॉर्मल क्रीम से ही डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो एक ही फ्लावर बनाया ऊपर में एनवा नोजल से वाइट क्रीम से, बस एक रोज़ बनाया और ऊपर में उसका एक चेरी लगा दिया। फिर मेरे पास गोल्डन कलर के कुछ शुगर बॉल थे, तो उसको मैंने केक की साइड पे लगा दिया, और जो फ्लावर बनाया था उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके लगा दिया। फिर मेरे पास कुछ सबसे छोटा वाला गोल्डन कलर की शुगर बॉल थे, तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी। तो ऊपर में भी फ्लावर के ऊपर में भी थोड़ा डाला हूँ, और केक के ऊपर में भी डाला हूँ। तो आज का केक डिज़ाइन यही था, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।